दोस्तों, मैं हूं संदीप और आज हम बात करने वाले हैं एंड ऑफ हिस्ट्री या इतिहास के अंत के बारे में। हम सब ने ये सब सुना होगा। ये जुड़ा हुआ है बर्लिन की जो दीवार थी वो गिरने से, कोल्ड वार के खात्मे से, और एक कहानी के तौर पे इसको देखने की कोशिश करते हैं कि किस इतिहास के अंत के बारे में बातें हो रही हैं, कौन सा इतिहास था जिसका उस दिन अंत हो गया था और क्या है ये पूरी डिबेट, वो जानने के लिए बस इस सवाल के साथ शुरू करते हैं कि क्या इतिहास का अंत हो सकता है? क्या कोई ऐसा लम्हा आ सकता है जहाँ से सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं, जितने भी कॉन्ट्रडिक्शंस थे वो ख़त्म हो जाते हैं? तो उसी सवाल के साथ आने की कोशिश करते हैं। ये फ्रांसिस फुकुयामा ने एक किताब लिखी जब कोल्ड वार ख़त्म हो गया था बर्लिन वॉल के कोलैप्स के बाद, और वहाँ पर उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो कोल्ड वार चल रहा था सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट सिस्टम के बीच में, उसमें जो लिबरल डेमोक्रेसी वाला कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसकी विजय हुई है और वही अल्टीमेट एंड के तौर पे आया है और कम्युनिज्म कोलैप्स कर गया है। तो उनका कहने का मतलब था कि जो आपस में इनका इतिहास चल रहा था या दो वैल्यूज़ के बीच में, दो तरह के सिस्टम के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, वो यहाँ पे खात्मा हो गया है। और उनका आर्ग्यूमेंट था कि लिबरल डेमोक्रेसी जो है वही फाइनल और आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, पहला ये था, और अल्टीमेट स्टेज है ह्यूमन डेवलपमेंट की, जो लिबरल डेमोक्रेसी है या ह्यूमन राइट की वैल्यूज़ हैं, जो भी कैपिटलिस्ट वैल्यूज़ हैं, वो सिस्टम कहीं ना कहीं अल्टीमेट स्टेज है। सिमिलर हीगल ने भी आर्ग्यू करा था, वो स्टेट को लेके आर्ग्यू करते हैं, लेकिन यहाँ पे एंड ऑफ हिस्ट्री की बात कर रहे हैं ये लिबरल डेमोक्रेटिक सेटअप के बारे में। और आगे बढ़ते हैं, ओरिजिन ऑफ डिबेट के बारे में हमने बातें कर ली कि लेट 20th सेंचुरी जो 189 के आसपास जो बर्लिन वॉल कोलैप्स करती है, उसके बाद से जो कोल्ड वार का खात्मा है उस दौर की हम बात कर रहे हैं। और वहाँ पे जो ड्रामेटिक शिफ्ट हुआ है, जिसे हम बहुत बार न्यू ग्लोबल ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, यूनिपोलरिटी के बारे में बातें करते हैं, उसके इमर्जेंस को लेके इन्होंने आर्ग्यू किया कि नहीं, अब केवल एक वैल्यू है जो इंपॉर्टेंस रखती है और उसे सब लोगों ने मान लिया है। इसके काउंटर में भी कुछ लोग आएंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि किस आधार पर वो कहने की कोशिश कर रहे थे। तो ये है उनकी किताब, और उन्होंने इसी किताब जो 92 में आई है उसमें आर्ग्यू किया है कि जो कोलैप्स हो गया है कम्युनिज्म का और लिबरल डेमोक्रेसी की जीत हो गई है और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो गया है लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का। जैसे आज के दौर पे हम देखते हैं कि लोकतंत्र को कितना वैल्यू की तरह लेते हैं, कि कोई भी देश लोकतांत्रिक है या नहीं है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है कि नहीं है, ऐसे सवाल जब भी कहीं से उठते हैं तो उसके साथ एक वैल्यू अटैच है कि लोकतंत्र अच्छी चीज़ होती है, लिबरल सोसाइटीज़ अच्छी सोसाइटीज़ होती हैं। हम मतलब ये सब के दिमाग में आ गया है कि लोकतंत्र जो है अपने आप में अच्छा होता है। जैसे हम इमरजेंसी की बातें करते हैं तो उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि हमें पता है कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। तो उसी चीज़ को लेके आर्ग्यू कर रहे हैं कि यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो गया है जो भी लिबरल वैल्यूज़ हैं। लिबरल वैल्यूज़ में आपका इंडिविजुअल राइट हो गया, ह्यूमन राइट हो गया, फ्री मार्केट हो गया, या कैपिटलिस्ट सोसाइटीज़ के बीच की जो जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वैसी वैल्यूज़ के बारे में हम बातें कर रहे हैं। फिर जो की आर्ग्यूमेंट्स हैं उन पर फोकस करते हैं। पहला है कि लिबरल डेमोक्रेसी है उसकी विजय हुई है, और लिबरल डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं फुकुयामा का कहना है कि वो बेस्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिसमें से इंडिविजुअल राइट प्रोटेक्ट हो सके, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ सके और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सके। फिर और वो बोलते हैं कि जो मार्केट कैपिटलिज्म है वो कहीं ना कहीं हिगेमेनिक सिस्टम है, वर्ल्ड लेवल पे वो डोमिनेटिंग सिस्टम है, बहुत सारे देश उसको फॉलो कर रहे हैं। और ये वो दौर था जब WTO के इमर्जेंस की बातें हो रही थी, WTO के नेगोशिएशंस होने की बातें हो रही थी, चल रहा था। तो उस दौर को देखना है कि क्या डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम जो था उसके तौर पे कैपिटलिस्ट सिस्टम उभर चुका था। फिर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ लिबरल वैल्यू, ये तो पहले भी बताया जा चुका है कि जो ह्यूमन राइट है, इंडिविजुअल फ्रीडम है, इनको कहीं ना कहीं सभी कंट्रीज़ ने मान लिया है। और इस डिबेट की वजह से कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि अब जो डिबेट थी उसका यहीं पे खात्मा हो गया है, इतिहास का यहीं पे अंत हो गया है। अब इसके काउंटर में कौन आते हैं वो देखने वाली बात होगी। इसका क्रिटिक बहुत अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। जैसे आप एंड ऑफ आइडियोलॉजी में बहुत सारे क्रिटिक होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, आइडियोलॉजी अभी भी इंपॉर्टेंट है, वैसे इसके भी क्रिटिक हैं। तो एक इंपॉर्टेंट राइटर हैं सैमुअल पी हंटिंगटन करके हैं, उन्होंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन और रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बातें करी। उन्होंने बोला कि नहीं, ये इतिहास का अंत नहीं है, अब नए तरीके के क्लासेस निकल के आएंगे और कल्चरल और रिलीजियस जो डिफरेंसेस हैं उससे ग्लोबल पॉलिटिक्स प्रभावित होगी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स प्रभावित होगी, और उस बेस पे बहुत सारी सिविलाइजेशंस के बीच में आपस में वैल्यूज़ को लेके, चीज़ों को लेके कॉन्फ्लिक्ट होंगे और वार होंगे। ये इनका आर्ग्यूमेंट था, और इससे काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इतिहास का अंत नहीं हुआ है, अब तो और भी नई कहानियाँ शुरू होंगी। और ये आर्ग्यू कर रहे हैं 1996 में,
उसके बाद 2001 में वॉर ऑन टेरर, और ये चीज़ें होती भी हैं जिससे आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि सिविलाइजेशनल चीज़ें हैं, अलग अलग रिलीजन बेस्ड भी डिफरेंसेस हैं, चाइनीज सिविलाइजेशन का इमरजेंस है। तो बहुत सारी इनकी प्रेडिक्शन सही भी साबित होती दिखती है। इनके जो की आर्ग्यूमेंट्स हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। तो ये बताते हैं कि जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं वो परसिस्टेंट हैं, वो लगातार बने हुए हैं, और वो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ऐतिहासिक है। चाहे आप जेरूसलम के मुद्दे को ले लें, या बहुत सारे मुद्दे हैं जहाँ पे फॉल्ट लाइन जो हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जहाँ पे आपस में दो रिलीजन के बेस पे कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। तो ये बात करते हैं। फिर बोलते हैं कि जो नॉन डेमोक्रेटिक पावर्स हैं, खासतौर पे चाइना और रसिया का जिक्र करते हैं, कि इनके इमरजेंस से भी जो यूनिपोलर सिस्टम है उसको चैलेंज होगा और फिर नए तरीके के कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे। तीसरा बोलते हैं कि जो पॉलिटिकल थॉट होता है वो इमर्ज हो रहा होता है। मतलब जैसे पहले आइडियोलॉजी के बारे में हमने बातें करी कि एक आइडियोलॉजी ख़त्म होती है, दूसरी आती है, तो नए तरीके की आइडियोलॉजी भी आ रही हैं, नए तरीके के पॉलिटिकल मूवमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होंगे, ये कहने का मतलब था। तो हिस्ट्री का एंड तो नहीं है ये, ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है, लेकिन वहीं पे इतिहास ख़त्म नहीं हो रहा है, अब नई नई बातें निकल के आएंगी। तो इस डिबेट में इतनी बातें हैं। एक कहानी के तौर पर आपको ये देखना है कि एक इवेंट होता है कोल्ड वार, कोल्ड वार जब समाप्त होता है तो फ्रांसिस फुकुयामा ये कहने की कोशिश करते हैं कि अब इतिहास ख़त्म हो गया, अब जो भी है सब लिबरल डेमोक्रेसी है, कैपिटलिस्ट सिस्टम ही रहेगा, सारी दुनिया में छा जाएगा, और यहीं इतिहास का या मानव सिविलाइजेशन का सबसे अच्छा सिस्टम है, वो कहने की कोशिश करते हैं। बहुत लोग मानने भी लग जाते हैं, नए तरीके से चीज़ें प्रमोट भी होती हैं, डेमोक्रेसी प्रमोट करने के लिए वॉर भी होते हैं। लेकिन काउंटर में एक आर्ग्यूमेंट आता है जो ये कहता है कि नहीं, कॉन्फ्लिक्ट अभी ख़त्म नहीं हुए, कॉन्ट्रडिक्शंस अभी ख़त्म नहीं हुए, अब वो नए रूप में आएंगे जहाँ पे वो कल्चरल डोमेन में देखेंगे, रिलीजियस सिविलाइजेशन के आधार पर देखेंगे। तो ये पूरा का पूरा डिबेट है, इसको आपको कहानी के तौर पे याद रखना है कि एक इवेंट है, उस पे एक राइटर ने एक पर्टिकुलर तरीके से आर्ग्यू किया है, एक थिंकर ने, और दूसरे ने उसको काउंटर किया है। इस टॉपिक पे इतना ही है, आगे और भी डिबेट्स और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आती रहेंगी। आपको ये चैनल देखते रहना है लगातार, और भी वीडियो देखते रहिए। जितने भी वीडियोज हैं इस कॉन्टेंट में देखेंगे तो PPT सिंपल सी है, आपको कहानी के तौर पर देखना है, याद करना है। चैनल का नाम है पॉलिटिकल अफेयर्स और मेरा नाम है संदीप सिंह, और ये जानकारी है मेरे बारे में। इस वीडियो के साथ साथ और भी जितने वीडियोज हैं आप देखते रहिए। जय हिंद।